सो टुडे इज डे 6 और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं समवन ऑफ माय फ्रेंड। यहाँ पे लैंड करना है फास्ट, लोकल ट्रैवल पे फास्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जो निकले हैं कौन से बीच की तरफ निकले हैं, ये फ्रेगी फैन है, फ्लोरिया बीच की तरफ निकले हैं। फर्स्ट टाइम तुर्की में मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। मरियम ने हमें गाइड किया है, ये मुझे मिली है थ्रू इंस्टाग्राम, और इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आता यहाँ पे मेट्रो में। तो हम अभी तक नहीं बैठे हुए, अभी आ जाएगा समझ में नहीं आ रहा। हम लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं विद मरियम और ये बहुत, और राहित भी यहाँ पे सो फर्स्ट टाइम था जो हम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक ट्राई इसलिए नहीं लिया कि समझना बहुत मुश्किल है और हमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जिस तरीके से ट्रैवल करते हैं। कार्ड बनाते हैं, हमने कार्ड भी बना लिया है, लेकिन हमने सिर्फ एक दफ़ा ये ट्रैवल किया, उसके बाद हमने ट्राई नहीं किया क्योंकि ये फिर भी मुश्किल है। आपको रहते रहते ही समझ में आता है कि किस तरीके से करना है। लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है, तो इस वजह से जगह का, स्टेशन का मुझे मरियम ने बहुत गाइड किया था, और क्योंकि वो यहाँ पे आई थिंक वो 2 साल से यहाँ पर है, तो 2 साल एक अच्छा टाइम होता है किसी भी चीज़ को समझने का। अब हमें तो 1 हफ़्ता हुआ है और हम लोग तो बहुत कन्फ्यूज़ हैं। खैर, ये मेट्रो जो है इनकी बहुत ही कन्वीनियंट सी इनकी लोकल ट्रेन है, बस है, जो कि आपको बहुत दूर दूर ले जाती है बहुत कम टाइम में, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और आराम से हम पहुंच जाते हैं अपने लोकेशन पे। क्योंकि यहाँ पे अगर टैक्सी करने लग गए तो एक एक दो दो घंटे का वो आता है टाइम आता है, और उसमें भी बहुत देर लग जाती है। अब ये स्टेशन आता है प्रॉपरली, आप उस पर देखें, ऊपर नाम लिखे हुए हैं और वो देखें और स्टेशन देखें, तो आपको पता चल जाएगा आपका स्टेशन अभी तक नहीं आया। तो तकरीबन 9 स्टेशन के बाद हमारा जो है वो विजिटिंग पॉइंट जो हमने बनाया था अपना कि हमें फ्लोरिया बीच जाना है, तो वो आया था, फ्लोरिया का स्टॉप आया था, तो फिर हमने वहाँ पे उतरे थे। साहिल जा रहे हैं, ठीक है, इतनी ठंड है ना, बीच पे जाके और गुल भी जम जाएगी और मैंने ये जैकेट लास्ट मोमेंट पे लिए, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था जैकेट पहनने का। मैंने बोला यही एक बार बार जैकेट ही पहननी पड़ रही है, मैं ले नहीं रही थी, बट बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है आज। अब हम क्या करने हैं, अब हम टैक्सी कटवा लो। ओ भाई, ये सब कहते हैं यही बात। अच्छा, अगर यहाँ कुत्ता काट ले तो उसको ये लीरा देते हैं। हम लोग मेट्रो टैक्सी से आए मेट्रो स्टेशन से, फिर हम एक स्टॉप पे रुके हैं, ये है फ्लोरिया जाने के लिए। अभी टैक्सी अटेंड कर रहे हैं और बीच में जाएंगे। हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है, राय तो हमें बहुत पैक किया हुआ, बट स्टिल हमें डर तो लग रहा है। अब इस तरीके से पैक कर लिया, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है और पाकिस्तान वाला टेस्ट नहीं है खाने में। बॉईल करके इनके कबाब मज़े के हैं, मतलब लाइक ट्राई करने चाहिए। और बकलावा मीठे में, अच्छा वो नहीं खाया हमने, मीठे हमने कुछ भी नहीं ट्राई किया। वो इनकी ट्रेडिशनल स्वीट है बकलावा। बकलावा और इसके अलावा कबाब इनके बहुत मशहूर है, वो अदना कबाब अदना कबाब बोल रहे थे, डिफरेंट स्पाइस कबाब काफी सारे होते हैं। वो हमने कोफ्ते बहुत अच्छे, ये पूरा ऐसे की तारीफ कर रहे हैं।
ये हमारे जो ड्राइवर साहब हैं ये हमें पूरा बता रहे हैं कौन कौन सा खाना अच्छा है। जी कोफ्ते और मीठा, क्या चीज़ मीठा कहेंगे तो मीठा अभी तो हम ट्राई नहीं करेंगे। इनका मीठा अच्छा है। फाइनली हम लोग क्या कहते हैं फ्लोरिया, इसको चलाओ। फाइनली गाइस हम लोग क्या कहते हैं फ्लोरिया बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हैं इसका चारों तरफ से। फ्लोरिया मॉल है साथ में और साथ ही क्या कहते हैं बीच बना हुआ है एक्स्ट्रा आगे और इस तरीके से जो है वो बेबी कैरी की बन रहे। हाँ जीफा कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। हाँ यहाँ पर अब अच्छा लग रहा है। मैं डर गई। तो यहाँ भी इतनी सर्दी नहीं है, हवा वैसे इतनी हवा नहीं है, इतनी हवा नहीं है यहाँ पर। नहीं ऊपर चल रही थी वहाँ पर जो हम लोग मेट्रो से उतरे थे। हाँ पर वो वहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा थे। हाँ वो ग्रीनरी की वजह से ठंड हो गई। कोई ना अंधेरे से पहले जब मैं बोलता हूँ घर चले अंधेरे से पहले। नहीं गाइस आप एक चीज़ देखें बीच है यहाँ भी आ रहे हैं। तो गाइस मैं कंटिन्यू यहाँ से कर रहा था कि ये देखें ये भी बीच है। कुछ दिन पहले हमारा भी बीच क्या कहते हैं वहाँ पर मनोरा बीच बनाया और एक दिन होने के बाद ही वहाँ पर लोगों ने स्पिटिंग और क्या कहते हैं कचरा फेंकना रैपर्स वगैरह फेंकना शुरू कर दिए। बट यहाँ पर देखें अपनी चीज़ का हम खुद ख्याल रखेंगे तो अमेजिंग ये जगह वैसी ही रहेगी। कुछ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंटेन करें बट यहाँ देखें एक भी जगह पर मुझे कोई कचरा नजर नहीं आ रहा। वेस्ट बिन रखे हैं लोग पापा वहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं। तो काश हम लोग भी ऐसे ही करें तो हमारा बीच भी इससे ज़्यादा अच्छा लगे, इससे ज़्यादा अच्छा लगे। ये देखिए पूरा प्रॉपर तो यह बीच जो है इफ्रा की फ्रेंड जिन्होंने आज का ट्रिप हमारा ऑर्गेनाइज़ किया है कि मैं आपको लेके चलती हूँ, वो काफ़ी हेल्प कर देंगे। इवन देखें बच्चे की प्राइम भी उन्होंने होल्ड की हुई है। हम लोग साथ साथ क्या कहते हैं पर वीडियो जनवरी में होगी ना स्टार्ट हो तो फिर यूट्यूब पे देखो जनवरी में कहते बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर से। लैंड कर रहा है लैंड कर रहा है लैंड करने वाला है। चलो बीच ये लैंडिंग में अप्रोच बना ये हम लोग यहाँ पर ट्रेक किया है बेंचेस पे रखा है और ये अब हम लोग जो है देखने जा रहे हैं बीच में। अच्छा वैसे इतनी ठंड नहीं है यहाँ पर धूप निकली हुई है और अच्छी खासी क्या कहते हैं गर्मी हो रही है हवा थोड़ी ज़्यादा है। बतख कहाँ गई? और ये फ्लावर देखें बैठी हुई है फ्रा कैसा लग रहा सी व्यू? अच्छा लग रहा तो गाइज ये फ्लोरिया बीच आपको हमने दिखाया। अभी हम थोड़ी देर बाद लंच करेंगे तो उसका भी थोड़ा सा दिखाते हैं। सो गाइज वी आर एट फ्लोरिया बीच और बहुत अच्छी हवा चल रही है। राहिल जो है वहाँ पर है राहिल वहाँ पर साथ है हमने वहाँ पर बैठा हुआ है परियों के साथ और उसने बना जाके पिक्चर्स खींच लें क्योंकि वो सो रहा है और जैसे वो उठेगा फैन हो तो ऐसे हो हेल्प क्योंकि हम लोग बैठे हुए थे घर में जाहिर सी बात है बच्चे खुद उनका मैसेज आया था क्या भाई कि आप यहाँ पर आई हुई है तो हम लोग मिलते हैं। तो मैंने बोला यार मिल तो लेते हैं बट मुझे घूमना है तो हम किस तरीके से घूम सकते हैं। तो उसने बोला मैं आपको गाइड करती हूँ तो ये मुझे गाइड करना है। कल हम लोग इन्होंने किसी का नंबर दिया है तो हम उनके साथ जाएंगे कल दूसरी जगह पे और वो टूरिस्ट गाइड है तो हम उनके साथ जाएंगे। इन्होंने मुझे मेट्रो पे बैठना सिखा दिया जो कि हमें मेट्रो पे जाहिर सी बात है पाकिस्तान मेट्रो नहीं है
अभी इनॉग्रल नहीं हुआ तो हमें बैठना सिखा दिया और अब हम जाके कितने डेज हो गए हमें 5 डेज हो गए ऑलमोस्ट और आज फर्स्ट टाइम मेट्रो बैठे और हमारा 10 डेज का स्टे था तो अब 5 डेज और है 5 डेज में हमें बहुत सारा घूमना है और मुझे मेट्रो बैठना आई है अभी हम कार्ड बना लेंगे और हम इसमें घूमते रहेंगे अगर राहिब ने घूमने दिया तो मेन रीजन यही है कि राहिब घूम रहे एक मिनट तो इफ्र ने यहाँ पर आपको पूरा समझाया व्लॉग हवाले से और आज इफ्र व्लॉगिंग कर रही है हवा बहुत है यार तो मैं व्लॉगिंग बहुत अच्छी कर सकती वैसे इफ्र हर चीज़ बहुत अच्छी करती है व्लॉगिंग हो वीडियोस हो अली हमारे बेस्ट है अली द यूट्यूबर लेकिन अभी जो है हवा बहुत प्यारी है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है मैं चाह रही हूं कि मैं पानी को जाके टच करके आऊं लेकिन थोड़ा सा यहां पे ग्रीन ग्रीन हो रहा है थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और ये ठंडा हो रहा है एक काम करती हूं मैं टच करके आती हूं आप लोगों के लिए और आप लोगों को दिखाते हैं पानी को कैसे टच करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा सिक्योर हो मैं सब कुछ फोन अपना ड्राइव रखो अली मेरी वीडियो बनाएगा मैं जा रही हूं टच करने के लिए पानी को अच्छा घूमे मैं गाइस मैं जा रही हूं विश मी लक गई तो सबके सामने खुली बेइज्जती ठंडा ठंडा पानी है यार ठंडा पानी हो रहा है बहुत फ्लोरिया बीच घूम लिया टिकटॉक्स वगैरह थोड़ी बहुत बना ली पिक्चर्स ले रही मॉल की तरफ जा रही है इसके साथ ही बना तो इधर बीच पे आए अब बीच से वापस मॉल पे जा रहे हैं लंच करेंगे देखते हैं अच्छा फ्लोरिया बीच था इसके साथ साथ ही इनका मॉल भी बनाया फ्लोरिया का तो हम उसके बाद मॉल में गए थे बट वो वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालती हूँ ताकि इतनी लंबी ना हो सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग थैंक यू सो मच